हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं स्ट्रिंग्स का एक बहुत ही खास प्रोग्राम जिसका नाम है पैलिंड्रोम। ठीक है, नाम तो सुना हुआ होगा तुम्हारा, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर है और एग्जाम में आने का चांस इसीलिए इसका बहुत ज्यादा है। तो इसमें करना क्या पड़ता है अपने को, पहले तो रिवर्स निकालना पड़ता है। सबसे पहले तो यूजर से इनपुट लेना है, उसके बाद उसका रिवर्स निकालना है, और फिर देखना है कि जो रिवर्स है और जो ओरिजिनल हम लोग को मिला था क्या वो सेम चीज है। अगर वो सेम चीज है तो वो पैलिंड्रोम है। जैसे मैडम जो है, मैडम एक पैलिंड्रोम वर्ड है। ठीक है, तो हम लोग को एक वर्ड लेना है यूजर से और देखना है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो वर्ड मतलब स्ट्रिंग ही हो गया अपने लिए, तो हम लोग स्ट्रिंग मांग सकते हैं और फिर चेक करना अपने को पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो चलो प्रोग्राम पे आते हैं सीधा। रिवर्स निकालना, पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं रिवर्स निकालने पर, तो रिवर्स निकालना जानते हो गए। रिवर्स में हम लोग देखो करते क्या है कि जैसे यूजर हम लोग को दे दिया कोडिंग इन रांची। ठीक है, ये इनपुट हम लोग को यूजर दे दिया, तो हम लोग रिवर्स कैसे निकालते हैं। तो रिवर्स में सबसे पहले तो हम लोग ये फॉर लूप चलाना तो जानते होंगे। फॉर लूप से एक एक करके कैरेक्टर आते जाता है। ठीक है, आई इक्वल टू जीरो से लेके आई लेस देन एस डॉट लेंथ तक का हम लोग चलाते हैं, और हम लोग हर बार स्ट्रिंग के प्रोग्रामिंग में यही फॉर लूप चलाते हैं, और कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई ऐसे एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं एक एक करके। तो देखो सबसे पहले हम लोग के पास कौन सा कैरेक्टर आएगा इस फॉर लूप के कारण, सी। तो हम लोग रेव में क्या स्टोर कर देंगे ना, सी। सबसे पहला चीज हम लोग रेव में स्टोर कर देंगे सी। रेव शुरू में तो ब्लैंक है, लेकिन बाद में हम लोग क्या करते हैं, जो भी कैरेक्टर आया प्लस रेव। तो जब सबसे शुरू में तो कैरेक्टर जो आएगा वो होगा कैपिटल सी, और कैपिटल सी हम लोग रेव में स्टोर कर देंगे। फिर अगले बार हम लोग के पास आएगा कैरेक्टर ओ, तो जब ओ आएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि रेव का अब जो नया वैल्यू होगा वो होगा कैरेक्टर प्लस रेव। तो अभी कैरेक्टर आया हम लोग के पास ओ, पहले से रेव का वैल्यू था सी, तो ओ प्लस सी कर रहे हैं हम लोग ना। कैरेक्टर भी आया स्मॉल ओ और रेव का वैल्यू था कैपिटल सी पहले से, तो हम लोग ये कर दे रहे हैं रेव इज इक्वल टू ओ सी। फिर अपने पास डी आएगा, तो हम लोग क्या कर देंगे डी ओ सी, है ना। मतलब कैरेक्टर को पहले ऐड कर दे रहे हैं और जो पहले से रेव का वैल्यू था वो बाद में। तो इन जनरल यही समझ सकते हो कि अगर अपने को रिवर्स निकालना है ना किसी चीज का, तो रेव इज इक्वल टू सी एच प्लस रेव, या फिर याद करने के लिए ये कर सकते हो कि रेव और रेव जो है वो दूर रहेगा। ठीक है, अगर अपने को उस चीज का पूरी तरीके से रिवर्स निकालना है, जैसे कोडिंग का करना है तो सी ओ डी आई ऐसे एन और फिर ऐसे जी, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा ग्नी डॉक। ग्नी डॉक करना है तो रेव और रेव जो होता है, जो रिवर्स निकालने वाला चीज होता है, वो दूर में रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग को प्रिंट भी करना है रिवर्स उसका। तो जो भी रिवर्स होगा वो जब ये फॉर लूप पूरी तरीके से रन करेगा ना, तो इस चीज को देख लो, आई लेस देन एस डॉट लेंथ रहता है तब ये यहां तक जाता है इसका वैल्यू, और फिर रेव में पूरा स्टोर होते जाएगा। अभी हम पूरा तो नहीं दिखा रहे ना तुमको, लेकिन ये पूरा स्टोर हो जाएगा तुम्हारा जो भी चीज होगा रेव में। तो उसका ड्राई रन खुद से कर सकते हो। फिर हम लोग एसओपीएलएन करते रहे रिवर्सेस और रेव, जो भी अपना आ चुका है आउटपुट, मतलब जो भी रेव में स्टोर हो चुका है जो कि होगा एक्चुअली में इसका रिवर्स, वो प्रिंट करते रहे। और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि इफ एस और रेव, एस जो हम लोग को यूजर दिया था और रेव जो कि क्या है जिसमें हम लोग रिवर्स स्टोर किए हैं, अगर वो लोग दोनों सेम है, इक्वल्स इग्नोर केस, इक्वल्स है और केस को इग्नोर कर देंगे। क्योंकि अगर कोई मैडम एंटर किया है और मैडम में कैपिटल एम शुरू में किया है और लास्ट में स्मॉल एम किया है, तो यहाँ पे इक्वल्स यूज करना उतना सही नहीं रहेगा। इक्वल्स यूज करेंगे तो हो सकता है थोड़ा एरर आ जाए, इसलिए इक्वल्स इग्नोर केस रेव का यूज कर रहे हैं। अगर एस और रेव बराबर हो जाता है, सेम हो जाता है, तो पैलिंड्रोम है, तो एसओपीएलएन पैलिंड्रोम कर देना है, नहीं तो एल्स एसओपीएलएन नॉट पैलिंड्रोम। तो यही हम लोग का प्रोग्राम है, इसको कंपाइल करते हैं और उसके बाद देख लेते हैं इसको चेक करके। तो एंटर अ स्ट्रिंग, तो एक स्ट्रिंग हम लोग मैडम ही कर देते हैं, क्योंकि मैडम जो है वो एक क्या है, तो मैडम का उल्टा देखो रिवर्स इज मैडम ही है और पैलिंड्रोम है ये, तो चलो ठीक है। एक और कर देते हैं जिसमें हम लोग एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं डालते हैं, तो इसमें कर देते हैं हाय, तो हाय देखो नॉट पैलिंड्रोम आ जा रहा है। तो यही है इस प्रोग्राम का खासियत, ये पैलिंड्रोम बता देता है रिवर्स करने के बाद रिवर्स का लॉजिक, और फिर एंड में छोटा सा एसओपीएलएन इफ स्ट्रक्चर डाल के। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, कुछ जैसा भी लगा हो, जो भी अपना रिव्यू है वो कमेंट कर देना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।